ओके, कि ईद में इस बार कौन सी ड्रेस मतलब आ रही है लेडीज के लिए? फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाली और लाली की जहाँ में फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। तो मतलब आज भी रमज़ान का एक नया दिन है, तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत हम लोग। फ्रेंड्स तो फिलहाल अभी है सहरी का टाइम और चलिए हम लोग फटाफट से अपनी सहरी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी सहरी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस खजूर दूध सिर्फ ये काफ़ी होता है मेरे लिए। तो आज भी फ़िलहाल मेरी सहरी बिल्कुल यही है, खजूर और दूध। यहाँ पे खजूर मैंने निकाल लिया है, दूध जो है वो गर्म हो रहा है। तो बस चलिए फ़िलहाल हो चुकी है मेरे लिए रेडी और चल के हम लोग फटाफट से करते हैं हम लोग सहरी। तो फिलहाल हमारी सहरी हो चुकी है और तो चलिए अभी तहज्जुद का भी टाइम है तो हम लोग तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तो मैंने तहज्जुद की भी नमाज़ मैंने अदा कर ली और उसके बाद फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि अज़ान होगी, फिर फजर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली। तो चलिए बाकी की बातें अब आपसे सुबह करते हैं। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ क्या हो गया, सिर्फ रोना है? भूख लगी है अभी तो तुम तुरंत दूध पियो तुम। भूख लगी है ताहा? बाबू के साथ आके खेलो बेटा। हाँ बाबू के साथ आके खेल लो। क्या हो गया, तुम क्यों देख रहे हो? सही है, छी 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 छी, गंदे बच्चे हो गए तुम। सलहा नींद आ रही है, नींद आ रही है, सोना है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ कुछ काम हो चुका है और कुछ देर के बाद मतलब जोहर का नमाज़ भी पढ़ना है, उसके बाद फिर करना है हम लोगों को इफ्तार का तैयारी, क्योंकि आज अभी का नहीं हम लोग इफ्तार करने वाले हैं। तो यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें तैयारी करेंगे, ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब हम लोग आज ये डिस्कस कर रहे थे कि इस बार ईद में पता नहीं कौन सा ड्रेस आएगा। और हाँ मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया था, ये पूछ रहे थे कमेंट करके कि ईद में इस बार कौन सी ड्रेस मतलब आ रही है लेडीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं मतलब ईद कलेक्शन की भी वीडियो मैं आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैंने ऐसे मार्केट में मैंने कुछ कुछ ड्रेसेस मैंने देखी है कि इस बार क्या चल रहा है, धोती टाइप से, फ्रॉक टाइप से, फिर आलिया कट हो गया, ये सब थोड़ा सा मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में वाकई में मार्केट में आया क्या है, ये जब मार्केट जाएंगे तो फिर उसके बाद ही समझ में आएगा। फिलहाल मैं भी इस बार क्या लेने वाली हूँ वो तो खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर बार ईद में ये सबसे बड़ा मसला होता है लेडीज़ के लिए, खास करके ये सबसे बड़ा मसला होता है कि मतलब आखिर उसे ड्रेस कौन सी चाहिए। मतलब हमेशा हम लेडीज़ सोचते हैं कि हमें कुछ बिल्कुल कुछ न्यू चाहिए, कुछ न्यू हर साल कुछ ना कुछ कुछ नया चाहिए। तो देखते हैं कि इस बार क्या नया आता है और हम लोग क्या खरीदते हैं। बाबू उठ जाएगा, अभी कपड़ा तो कपड़ा बदल रहे हो, तो कपड़ा बदल रहे हो तो सारा चीज़ तो पहने हुए हो तुम। देखो ताहा इधर देखो, अच्छा जैसा झांक के तो देखो तुम, पहले जैसा झांक के तो देखो। देखो देखो फिर देखो फिर देखो देखो तो एक बार ताहा, एक बार देखो तो पहले देखो ना एक बार, नहीं देखोगे तुमको इतना शर्म आता है। ताहा तुम कितना फैला दियो ये सब बेटा, स्कूल से आकर के तुम यही सब कर रहे हो, हटाओ ये सब सारा हटाओ। अब तुम देखना बाबू को, देखना देखो वहाँ बाबू वहाँ सोया हुआ है, ठीक है देखना बाबू किनारे नहीं आ जाए, हम दूध उबाल के आ रहे हैं। तो फिलहाल आज भी हम यहीं हैं, अप्पी का नहीं, हो सकता है कि मतलब शाम में घर पे जाएं क्योंकि अप्पी को कहीं जाना था। तो हम लेके चले, ठीक है आप जाइए और फिर तो फिर हम जाएंगे शाम में घर पे जाएंगे।
सो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ चुके हैं किचन में, हम और अप्पी दोनों आ चुके हैं किचन में, और यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल कर रहे हैं इफ्तार की तैयारी। और आज मतलब तुरई जो होती है, मैंने कभी उसका मतलब बेसन में पकोड़ा बना के मैंने कभी नहीं खाया है, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने बनाया है तुरई में बेसन का, बेसन डाल करके उसका पकौड़ा बनाया। तो चलिए आज इस नई चीज़ों को टेस्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर फ़िलहाल सारी चीज़ें लगभग हो चुकी है और यहाँ पर टाइम भी हो चुका है अज़ान का, तो चलिए बस चलते हैं हम लोग दस्तरखान की तरफ। तो फिलहाल हम लोग सारे लोग हम लोग एक जगह पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे ताहा और तलहा दोनों यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए ना यहाँ पे क्या क्या है इनका। हेलो, फ्लोरी है, ग्रेप्स है, ये देखिए खुद खाने के पहले खाने। हेलो, पर ये सबको सुनिए, पर ये सबको इको खाना है, इस सबको खाने के पहले। चलो ठीक है, और अब बेटा अजान होने वाली है, चलो दुआ मांग लो। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब अजान हो रही है और हम लोग अपना इफ्तार कर रहे हैं। अब इफ्तार करने के बाद आपसे बात करते हैं। A few moments later. सो फ्रेंड्स, तो इफ्तार करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं किचन में रात का डिनर तैयार करने के। तो डिनर में आज हम लोग बना रहे हैं पलवल में जो भर करके बनता है, वो भरवा पलवल जिसे आप कहते हैं, वो बना रहे हैं। तो चलिए करते हैं ऐसे फटाफट से रेडी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा डिनर रेडी हो चुका है और मतलब देखते हैं, ऐसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। मतलब हमेशा तो मैं बनाती तो अच्छा ही बनता है, तो आज कैसा बना है चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। ऐसे भी भरवा पलवल बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो फिलहाल हमारा खाना वाना हो चुका है और सब लोग आराम कर रहे हैं फिलहाल। एंड आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के हर एक न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक अच्छे से प्यारे से एक बहुत ही स्वीट से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।